नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज नशा मुक्ति दिवस है और आपको बताएं कि इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू है और पूरी तरह से सफल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर बेतिया से निकलकर सामने आ रही है जिस तस्वीर को देखने के बाद आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये सारी बातें पूरी उलट हो रही है। दरअसल बिहार के बेतिया में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और आपको बताएं कि ये कार शराब की बोतलों से भरी रहती है। शराब की बोतलों से भरी एक कार बेतिया में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और देखते ही देखते आपको बताएं लोगों की जो है भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है और सारे लोग जो है वो पल भर में उस शराब की बोतलों को लेकर फरार हो जाते हैं। आपको हम तस्वीर सीधे बेतिया से दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार एक दुर्घटनाग्रस्त कार में शराब की बोतलें भरी पड़ी हैं और वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और लोग जो वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं वो उस कार में से शराब की बोतलें लूटने लगे हैं और लूटकर भाग रहे हैं। कहते हैं कि मुफ्त में मिलने वाली चीज़ कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, फिर बात जब शराब से भरी बोतलों की हो तो कोई भी यह मौका नहीं गंवाना चाहेगा। बेतिया ज़िले में एक ऐसी घटना सामने आई है, यहाँ शराब से भरी एक SUV कार अनियंत्रित होकर एक झोपड़ी में घुस जाती है। इस दौरान जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि गाड़ी में शराब की बोतलें रखी हुई थी, उसे लूटने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ ही देर में सारी बोतलें गायब हो गई। पीछे सिर्फ शराब की टूटी हुई बोतलें ही गाड़ी में रह गई। आपको बताया कि शराब से भरे कार के दुर्घटनाग्रस्त होने का यह मामला चौतरवा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रतवल मलंग बाबा मोड़ के समीप कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान कार ने झोपड़ी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार संचालक पकड़े जाने के डर से फरार हो गए, वहीं गाड़ी में रखे हुए शराब की बोतलों को वहां के लोगों ने लूट लिया। जिस तरह यह घटना हुई है वहां कई सवाल भी पीछे छोड़ रही है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन बांसी चेक पोस्ट, धनहा नदी थाना तथा चौतरवा रोहुला नाला चेक पोस्ट शराब लेकर कार कैसे पार हो गया? यदि कार दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती तो कैसे पता चलता कि शराब का खेल प्रशासन की मेल से धंधा जोरों पर चल रहा है? इस मामले की जानकारी देते हुए थाना जा रही है कि कैसे शराब की से भरा हुआ ये कार जो है शराब बंदी वाले बिहार में लोग लेकर के चलने लगते हैं। तो देखिए किस प्रकार, जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते नहीं थकते हैं कि बिहार में जो है शराबबंदी पूर्ण तरह से लागू है और हम इस कानून में पूर्ण तरह से सफल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आए दिन कहीं ना कहीं से एक ऐसी वीडियो सामने आ जाती है, कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें सामने आ जाती है जहाँ ये बिहार के शराबबंदी कानून पर सवाल उठने लगते हैं। अभी हालिया जो खबर हमने आपको बताया ये बेतिया से है, जहाँ शराब की बोतलों से भरा एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जो कार के ड्राइवर होते हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कार में से बोतलें, शराब की बोतलें चुरा कर लूट कर भाग जा रहे हैं। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।